ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साल 2022 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में रखे जाने वाले हरतालिका तीज व्रत के बारे में। 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी और भी कई अन्य जानकारियों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सौभाग्य की कामना से रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को सुहागन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी गृहस्थ जीवन का वरदान प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक निर्जल रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। व्रत के दौरान गणेश जी और भगवान शिव माता पार्वती की रेत और काली मिट्टी से मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरतालिका तीज व्रत 2022 के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि का आरंभ होगा 29 अगस्त शाम 3:20 पर। तृतीया तिथि का समापन होगा 30 अगस्त की शाम 3:33 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 30 अगस्त सुबह 5:58 से सुबह 8:31 तक। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त होगा 30 अगस्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज पर निर्जल व्रत रखकर भगवान गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातः काल और प्रदोष काल दोनों समय पूजा करनी होती है। हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव गौरी को साक्षी मानकर निर्जल व्रत का संकल्प लें। प्रातः काल की पूजा आप शुभ मुहूर्त में अपनी नित्य की जाने वाली पूजा की ही तरह करें। अब प्रदोष काल यानी शाम की पूजा के लिए पुनः स्वच्छ होकर सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बनाकर एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शाम के शुभ मुहूर्त में इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की विधिवत पूजा कर उन्हें उनकी प्रिय पूजन सामग्री और दुर्वा अर्पित करें। अब माँ पार्वती की पूजा कर उन्हें सुहाग का सामान और विशेष कर सिंदूर अर्पित करें और फिर भगवान शिव का पूजन कर उन्हें धूप दीप और उनके प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। अब हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनकर आरती करें। आइए अब जान लेते हैं व्रत का पारण कब करें और जल कब ग्रहण करें। हरतालिका तीज व्रत का पारण भाद्रपद शुक्ल तृतीया को पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत के अगले दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है। इस दिन सुबह भगवान गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर उन्हें भोग लगाने के बाद जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। जो लोग 24 घंटे तक किसी भी वजह से निर्जल न रह पाए हों तो उन्हें व्रत के दिन रात्रि में 12 बजे के बाद जल ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत में दान कब, क्या और किसे करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत करने के बाद अगले दिन यानी पारण के दिन दान करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रती महिला को पूजन के बाद वस्त्र, भोजन सामग्री, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई व अन्य चीजें अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। हर हर महादेव।